गाउँ शहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सन्डे 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। जी नमस्कार प्रणाम, सुन रहल बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज। रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज के कार्यक्रम स्थानीय सरकार लेके उपस्थित हो चुकल बानी। कार्यक्रम के साथ में हम बानी कार्यक्रम प्रस्तोता राम मंडल, प्रविधि में अनरजीत जी बानी। स्थानीय विषय वस्तु पर बातचीत करें सन। स्थानीय तह के निर्वाचन भी आ रहा बा बैसाख 30 गते के खातिर। जनप्रतिनिधि के समय 5 वर्ष के बीच चुकल बा। कैसन भइल बा विकास अपने के गांव टोल के, एकरा विषय में भी बातचीत करें सन। स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि, स्थानीय वासी से भी हमने कार्यक्रम में बातचीत करें सन। आज भी एक जने अतिथि के साथ में बातचीत करेला हमने उपस्थित हो चुकल बानी। आज हमने के साथ में बानी नेकपा एकीकृत समाजवादी से जुड़ल बानी, वहाँ युवा नेता बानी मुकेश पटेल, और खास करके उनकर 16 नंबर वार्ड में घर भी बा, स्थानीय वासी भी बानी, वहाँ से हमने बातचीत करम सन। खास करके उनकर वार्ड के अवस्था कैसन बा, विकास निर्माण के काम कैसन भइल बा 5 वर्ष में, और अन्य विषय पर भी हमने कार्यक्रम में बातचीत करम सन। हमने के साथ में मुकेश पटेल जी युवा नेता बानी जुड़ चुकल बानी, वहाँ से बातचीत कर लिया। मुकेश जी कार्यक्रम में स्वागत बा अपने के। नमस्कार और धन्यवाद बाटे जी। जैसे कि अपने खास करके युवा बानी, देश में पहिलका बार संघीयता में देश गइला बाद चुनाव भइल 2074 साल में, 5 वर्ष भी बीत चुकल बा। स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग 20 वर्ष बाद आइल लोग, तो 5 वर्ष में रौरा वार्ड के, रौरा टोल के विकास निर्माण कैसन देखनी, जनप्रतिनिधि के काम कैसन देखनी रौरा? बहुत स्लो बा हजुर, वैसे भी तो जौन विकास चाही वो विकास में हमनी के वार्ड नंबर 14 के बासिंदा जैसे कि आवश्यकता अनुसार काम नहीं के मिले सकल, और जितना सोच विचार में वार्ड अध्यक्ष के हमनी के जितनी सन वो अपेक्षा अनुसार में हमनी के विकास नहीं के हो सकल। जैसे कथी कथी के कुछ तो विकास भइल होइ नु? हाँ विकास तो भइल बा, हमनी के माननीय प्रदीप यादव जी के अंतर्गत में एगो खाली धर्मशाला भइल बा, और छोट मोट भइल बा, माने एगो ऐतिहासिक व आवश्यकता जैसे कि इम्पोर्टेंस रोड हो गइल, जैसे कि हमनी के रोड के एगो प्रतिनिधि जीतल बानी तबे से ही एगो रोड हमनी के बौद्धी में जाए वाला रोड बाटे, उ नदी के सरिसवा नदी कनेक्टेड बा, उ 5 साल के बीतला के युद्ध अवधि में भी उ एगो रोड कंप्लीट ना होके सकल, तो वो मेन योजना में रह के, और हमनी के वैसे ही एगो चीनी मिल के पछाड़ी हमनी के बासिंदा कुछ बनी लोग वहाँ के घर बन गेल बा, और अपेक्षा और आशा देके ही कि ई रोड जैसे भी बनी कह के वो एगो ना बने सकल, तो हमनी के 14 नंबर वार्ड के वड़ा अध्यक्ष बासिंदा लोग थोड़ा निराशजनक ही बाटे, वैसे कोनो खास हमने से होला कि एगो हाँ हमने के मुखिया जी हई कैले बानी हौ कैले बानी वैसन उत्साहित में नहीं थी सन। यानी कि 5 वर्ष में रौरा देखला से विकास उतना निमन नहीं है भाई? हाँ हाँ, हमने के देखला के अनुसार जौन चीज जरूरी बा उ चीज नहीं है भाई, विकास भइल बाटे, अब छोट मोट विकास बाड़ सन, जौन चीज जरूरी रहला ओकरा कैला के बाद में उ जैसे कि फुलफिल आवश्यकता होला ना, अनवांटेड चीज में लगानी लगाए में और चीज करम तो ओकरा की उतना देख सकता नो। जैसे भइल भइल काम के हमने बात कर लिया ना, कैसन कैसन काम मुखिया जी लोग कइले बा? मुखिया जी लोग तो अब हमके गांव में एगो सड़क ढलान कइले बानी, हमनी के तीन टोल बा, एगो मुस्लिम टोल बाटे, एगो हमनी के छोटा पिपरा बाटे, एगो और बड़का पिपरा बा, तो खास हमनी के गांव में एगो रोड ढलान भइल बा,
और समेचा बड़का टोला में भी रोड ढलान होके वाला रहे, अब मेयर साहब के परियोजना से अब कारण बस रुक गए ना होके सकल। और नया बस्ती में भी कुछ दिखता नहीं, अब नगर पालिका के थ्रू बा अंतर्गत मुखिया जी के थ्रू बा तो ना बता सकते नहीं सन, कैसे कि ना बताओ के कारण भी हमने के बाकी जैसे कि बजट आवला योजना आवला योजना में हमके 14 नंबर वार्ड में हई हई करे के बा हमने के वाड़ावासी के बैठा के सूचीकृत करल जाए, तब न हमनियों के जानकारी में रही कि हई हमने के वाड़ावासी के वाड़ा अध्यक्ष के अंतर्गत में भइल बा कि नहीं, केवल अबेंगे तो हमने तो सब भइल बा, तब हमने कह ना सकते हैं मुखिया साहब के भइल बा कि महानगर पालिका भी काम में बहुत ज्यादा ही कैले बड़ा लोग, तक वो लोग के भइल बा अभी हमने के छुट्टिया ना सकते हैं सुन अभी। यानी कि समग्र में कहल जाओ तो वार्ड के जोन विकास होके चाहिए, तो विकास अपने के एगो स्थानीय वासी एगो युवा नेता बानी उ खास करके नइखे भइल जैसे लागताटे, कहाँ कमजोरी, कहाँ कमजोरी देखनी, रउरा पढ़ा लिखल शिक्षित युवा भी बानी, कहाँ कमजोरी देखा तानी, कथी कमजोरी बा जनप्रतिनिधि लोग में? कमजोरी ये बा खास करके कि मेन प्रॉब्लम जोन की काम हमने के हुकुमबाजी और रणासाई जैसे भी एगो होला उ भी ना रख के सब वाड़ावासी में मिलजुल के कोनो काम करम ना तो काम सक्सेस होला। हाँ, और उ काम में मिलजुल के हई करे के बा हौ करे के बा योजना डाल देनी, और योजना में का का आयल हमने से 5 साल के बीच में अपने उपभोक्ता समिति गठन करी और अपने काम करी, तो वो योजना में रह के का आयल किएंगे बोल तो वाड़ावासी के जानकारी भी तो कराए के पड़ल न। आम सूचना जो होला वाड़ावासी के थाना होला गोपीय रूप में होला सब कुछ। यानी कि गोपीय रूप में भैया चलते अपने लोग के था होके ना सकेला है कि ना, फ्लैग आवे के पड़ल कोनो काम कैले बानी तो फ्लैग करके देखा जाए ना कि हम कैले बानी, ये बड़ा सार्वजनिक कैले रहती तो हमनियों के बोले के अधिकार है कि हमनी के मुखिया जी है ये काम कैले बानी आई प्रस आवे के पड़ल। यानी कि कितनो अंडरग्राउंड काम कैले हो तो हमनी के तो ना विश्वास कर सकते इंसान, एमे 4-4 गो 5-5 गो बजट बा, मुख्यमंत्री बजट बा, विधायक के बजट बा, महानगर पालिका बजट बा, सांसद के बजट बा, संसद के बजट बा, खुद अपन विजय सरावली अपन योजना अंतर्गत भी बजट बा, तो एमें केकरा के विकास कहल जाम? विकास होके के चाहिए सबसे पहले का बात जौन चीज के हमने के फर्स्ट प्राथमिकता हमने के वार्ड में दू गो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट ओकरा के मान के चलल जाम कि अभी एगो हमने के जैसे पानी पड़ल के समय में आदमी मर जाए तो ओकरा के लेके जाए खातिर हमने के नदी पर बहुत ही बड़ा दिक्कत बा, तो फर्स्ट में वो एगो हमने के ना होके सकल, वो बीत गए भी 5 साल के कार्यकाल भी बीते लागल लमसम लमसम। और हमने के पश्चिम साइड में एगो नहर टाइप के रोड बाटे, वो रोड के कोबर माटी भराइल का भेल अभी तक पूर्ण रूप से एगो काम ना होके सकल, ये दूगो तो हमने के नजर में काम ना होके सकल 5 साल में। अब इतना अब और बाकी तो कहबे कनिये हजूर की अब किएंगे बा का बा केकर विकास का हो तो योजना में आयल भइल कि ना भइल अब तो ना पता। अब एगो सूचना के हक होला, सूचना अपने अगर मांगतानी तो सूचना में उ लोग के देवे के पड़ी, खास करके तो सूचना अपने मांगे नहीं कि ना कि है चीज के आज तक ले मंगले बानी कि ना, ना ना हमनी गइला के बाद में इंटरेस्ट एगो होला न के मतलब हमनी गई नहीं सन कोनो काम के वहाँ होके के मतलब से उठ के चल जाई लोग होने से हई कर ली, लोग होने से हई कर ली तो होंगे तो नान भइल ना। यानी पंछे के काम कर ला लोग है कि ना। चली ये एगो बड़का भारी समस्या, कैसन जनप्रतिनिधि चाहता नहीं रउरा, कैसन जनप्रतिनिधि होके चाहे कि देश के विकास हो, कि इतना बजट आजकल स्थानीय सरकार घर घर में सिंह दरबार लोग कहता सिंह दरबार कहता कहला के मतलब नानो भयल ओकरा के लागू करे के पड़ल। हमनी के वार्ड अध्यक्ष केहू भी बानी, हमनी के केहू आओ युवा में आओ, और हमनी के खास वार्ड अध्यक्ष युवा में आई और नया पीढ़ी में आई। अब हमनी के वार्ड अध्यक्ष जैसे भी युवा में आयम बहुत स्वागतीय बा, तू जे भी आई हम तो खुद हम अपन नेकपा के समाजवादी से वार्ड अध्यक्ष में दावेदारी बानी, और रौरा भी चुनाव लड़े ला तैयारी कैले बानी हजुर जी, रौरा भी चुनाव लड़े ला तैयारी कैले बानी। हाँ, खुद खुद हम युवा समाज पिपरा के सदस्य भी बानी, हमने के एगो संस्था बाटे युवा समाज पिपरा बोल के, वो संस्था से हमने थोड़ा मोड़ा काम भी कैले बानी सन, और हमने के नेकपा एकीकृत समाजवादी से खुद हम वार्ड अध्यक्ष के और घोषणा भी कैले बानी कि हम अपना वार्ड के
जैसे कि विकास नहीं केवल उस चीज के विकास रखी और भेदभाव ना रख के, मतलब कि हमने के वो सोच विचार बा और युवा नेता लिया लगन वाड़ा बा सिलो युवा लोग तो अपने का बोले ला युवा के लिया है तो युवा लोग तो अपने ऐसा राम में रहला के युवा पर लोग विश्वास करो युवा ऐसा राम ना रही हजू युवा ऐसा राम कहाँ से रही ना रही नो युवा ही बहुत बड़का संघर्ष करके और जो चीज के कमी कमजोरी बा युवा दौड़ी लोग नो युवा कहाँ बा केंगे बा खास करके युवा जुड़ी तो कहाँ इस बाजी में आता है अपना मन मौजी काम कर लोग ना कर पाई लोग यानी कि युवा अपने लोग युवा तो खास करके देश विकास में युवा के पुख्त ना मानल जाला राजनीति में पुख्त लोग ना मानेला खास करके नया योजना जौन बा नया नया किस्म के जौन बा एगो संयमता अपनावे के भी युवा के जरूरी होला ना ना संयमता आई एटोमेट के अब युवा के जब चांसे ना देम तो संयमता कहेंगे देखेम अपने युवा के जब देखी पुराना अभी के जौन जितना पार्टी के फिलहाल अपने के चुनाव के या जिला के अपने लोन जितना भी मतगणना या जितना भी चुनाव होते जाता है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन बा पहले के बुढ़ा पका लोग अब अपना मन से भी देता नहीं लोग समर्थन में कि ना अब हमनी के अब हमनी बहुत काम कर लेनी तो अब तनका ई लोग के भी आगड़िया बढ़ावे के पड़ल अब हमनी ई लोग के पुश करे के पड़ल हमनी के निर्देशिका में ई लोग के चलावे के पड़ल उ लोग परिवर्तन हो रहा बा यानी कि परिवर्तन हो रहा रौरा मानतानी युवा आई लोग आई लोग एगो शहर के वार्ड है अपने के वार्ड जो है 16 नंबर वार्ड है कि ना चौदह नंबर वार्ड माफ कर 14 नंबर वार्ड 16 के 14 नंबर वार्ड शहर के वार्ड हुए तो शहर के वार्ड ऑलरेडी विकसित बाटे ऑलरेडी रोड नाला पहले से भी बा तो ओमे तनको काम कैले रहित लोग तनको काम भइल होई तो तब और बढ़िया हो गई और बढ़िया हो महानगर हो गए पहले उप महानगर महानगर हो गई बा ना तो देखिए शहर भइला के बाद में जैसे कि रोड नाला हो गए तो अगर मतलब कि वार्ड सुखी संपन्न ना न भइल हजुर कुछ वार्ड में समाज में का जरूरी बा कौन समय में कथी करे के पड़ल केकरा दुख पड़ल केकरा सुख में बाटे तो ओकरा के सुखी वाला लोग से मदद करवा पड़ल दुखी वाला लोग के एक समानता रहे के पड़ल अब गरीब जे बाटे उ धनी को अत्याचार माथी मत करो ओसन को भी तो होला नु शहर में होला पैसा वाला तो गरीब के एटोमेट तो देहात में तो ऑलरेडी बाटे मतलब एहू जगह भी होला तो जैसे कि रोड नाला हो गल चक्कर मतलब सब समस्या समाधान हो गल तो वैसे वार्ड में नानू चली ओमे भी जेकरा आवश्यकता पड़ता दौड़ धूप करे के पड़ता जैसे कि अभी देखी वार्ड कार्यालय में भी सब कोई भी पढ़ल लिखल जाला के काम करे के पड़ल का करे के पड़ल हई करे के पड़ल के सुझाव बुझाव दे के हमारे एगो सहायता कक्ष खाने ओकरा के करे के पड़ल की गैनी के काम करावा कह देनी हई करवा के आई तो वो भी ना भइल नु ओकर तो मन में दुखी लागल नु उ कहां जाई जैसे तो ई तो काम जो बा उ तो पढ़ल लिखल जाओ या फिर बिना पढ़ल लिखल जाओ ओकर तो करे के चाहिए जन प्रतिनिधि लोग तो करे के चाहिए करे के चाहिए उ लोग के भी ना देखे के पड़ल लोगों में बोल के अब जैसे कि खास करके ये पछिल का समय देखल गई बा सारा बजट भौतिक विकास में जनप्रतिनिधि लोग लगावा था रोड बनवाई चाहे नाला बनवाई या फिर स्वागत द्वार बनवाई यही में होला दूसर विकास बा समाज के सामाजिक विकास जैसे महिला बाल बालिका पिछड़ल इस सब के विकास के खातिर कुछ कैले बा लोग 14 नंबर वार्ड में कुछ नहीं युवा रोजगार खातिर कुछ नहीं के महिला खातिर एक दो गो सिलाई कटाई आई रहे उतना भी जौन चीज मैंने चाहिए उतना लोग के भी ना पूरा सकल मैंने अपने 14 नंबर वार्ड में महिला लोग जिस मैंने शिक्षित नहीं के साक्षरता एगो अभियान भी चलाओ के पड़ल वैसन वैसन कार्यक्रम आई तब ना हमने के जागरूक हो चाहे हमने के बिहान बेला बोले के भाई अधिकार मिली वैसन के लिया के पड़ल सिटी बीटी वैसन का तो टाल कार्यक्रम चले लो यार बहुत बहुत बाटे वैसन वैसन तो कार्यक्रम टाल बा अभी जे बेरोजगार बाटे ओकरा के कोनो ना कोनो सिस्टम से कोनो ना कोनो तरीका से ओकरा के तालीम प्राप्त करा के ओकरा के जैसे तालीम प्राप्त लिया होता नहीं सहन तो तालीम प्राप्त हो कर लगा के बाद में दक्ष बन जाए तो दक्ष बन लगा के बाद में तो काम ऑटोमेटिक मिली ओसन का ओसन का जन चेतना कार्यक्रम ले आओ के पड़ल हजुर यानी कि उ सब कार्यक्रम उ सब विकास में जन प्रतिनिधि लोग नहीं खेल लोग वड़ा अध्यक्ष लोग के सक्रियता कैसन देखनी 5 वर्ष में वड़ा लोग के सक्रियता न्यून रूप में बाटे जैसे कि
ज्यादा ही कस के जितना हमनी के वाडा के लोग खुद हमनी विकास खातिर या जोन भी काम खातिर हमनी जितना उत्साहित से लोग वोट दिलक उतना उत्साहित से अपेक्षा कैलक उतना से ना फुलफिल होके सकल। यानी कि उत्साहित से वोट दिलक खास करके उ लोग में कथी कमी देखनी अपने युवा नेता बानी अपने खुद कहते हैं वार्ड में तैयारी बा लड़े के। अभी जहाँ जाइल जाता उ लोग के सबसे बड़का समस्या कथी बा कि कोनो काम करा जात रही है सन तो हिया जा हुआ जा है एगो सबसे बड़का पहल का बात आ ओकरा बाद में कथी कि कोनो काम कराया जाता नहीं तो सिस्टम से ना इतना हेंगे हुई इतना होंगे हुई तो है काम हुई होंगे हुई तो ई चीज के वो आओ बढ़िया से करो बोल के ये खातिर हमने नया परिवर्तन खोजे के चाहत नहीं सन और एक एक चीज के बहुत दिन हो गए बोल के अब एकरा के नया लियावल जाम नया फेस देखल जाम कि वो लोग कुछ करो बोल के कि लोग के मने चाहना अभी तक में हम के मतलब सर्वे कैले बानी वो हिसाब से हमरा हमरा अनुभव में लागल बा नया चेहरा से खाली थोड़े हुई चेहरा से तो विकास ना होला ऐसा रही तो हीरो हीरोइन को वार्ड अध्यक्ष बनवा दिया ना हीरो हीरोइन के वार्ड अध्यक्ष हो जाए हीरो हीरोइन वार्ड अध्यक्ष ला होके पड़ल हो जो नया चेहरा के मतलब ना बुझनी एक एक चीज हुआ के अपने 50 बेर करता नहीं आ ओकरा के हटा के उहे बजटवा में उहे चीजवा में दोसर जोन चीज जरूरी बा ओकरा करल जाए तो फर्क बा कि नहीं के एकदम फर्क बा नया सोच रौरा रौरा खुद कहता नहीं कि हम तैयारी में बनी नया सोच अपने लगे कौन किस्म के बताओ जाओ थोड़ा सा रणनीति बताओ जाओ जैसे जनप्रतिनिधि मान ली अपने के बना देवल जाए जनप्रति जनता सुने नया सोच कथी विकास करे अपने नया सोच में तो हमार विकास बाटे हजूर की जोन हमनी के वाडा में सही के सही और जैसे गलती है सही जोन की निर्णय अभी तक ले भी जनता के ऊपर मने नहीं के छुटिया निकल उ हम सही के सही हमार और गलती गलती छुटियावे के सबसे पहल का बात रही ओकरा बाद में हमनी के उ जे कंप्लेन करता नहीं लोग कि हमनी के वार्ड में जाते नहीं सन कोई हमनी के जैसे प्रॉब्लम से ओकरो आ नहीं किसे पड़ल ओकरो तो खातिर हमर एगो सहायता कक्ष रही कि जैसे कि कोनो आदमी नहीं के जानकार ओकरा के हई करके आई हिया से करके आई हई करके आई और अपने आई काम हो जाई पोलाइटली उससे बोले के कि वो दुखी हमनी के वार्ड कार्यालय से दुखी होके मत जा यानी कि वार्ड कार्यालय में सेवा कराई जाला तो वो दुखी होके आवेला वो लोग के काम भी रुक जाला। अचम के बात हो गई जेकरा नइखे ओकरा लूर जे पढ़ल लिखल नइखे ओकरा त जहाँ तक सहयोग करके आगे बढ़ावे के चाहिए तो ई लोग उल्टे करता है। यानी कि एगो गलत बा कि ना अपने के हिसाब से। हाँ हमर 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 जैसे कि सर्वे में ई हमर एगो हमर सबसे बड़का पहल का बात रही ई कि गलती के गलती और सही के सही ऑटर होके के पड़ल ई एगो पहल का बात बा कि हमरा वार्ड में जे पढ़ल आवता ओकरो आने के पड़ल आवत ओकरो की मतलब कि एगो हमर कोसी काम बा अपने के हजूर हई काम करे के बा हई हई प्रोसेस में आई हई कागजात लेके आई और खुद हमर वहां आदमी फिलअप करके उ लोग के खाली बैठ के काम देखे हैंडल करे के पड़ी उ लोग के कुछ टेंशन ना रहे। ई तो सामान जोन अपने समस्या सुने नहीं तो सामान्य समस्या हुए है हई कागज ले आई तो नागरिक वड़ा पत्र में ही लिखा रहेला वहां सचिव लोग होई लोग कार्यालय सहयोगी होई लोग उहे लोग बता दी। हाँ उतना ना बतावा के फुर्सत रहला तो बताई ना जनता लोग उतना जब सेवा कर सकल लोग 5 वर्ष में तो क्या कर सकता लोग। यानी कि न्यून बनू। यानी कि सेवा भी ना मिलेला विकास के तब बात हटाई। जैसे कि खास करके अब अपने के समग्र में कहानी कि सेवा ना मिले वड़ा कार्यालय में विभिन्न सिफारिश होला विभिन्न किस्म के काम होला जनता के काम होला उस सेवा में बाधा के डालेला मेन बाधा कर्मचारी डालेला कि जनप्रतिनिधि डालेला। जैसे कि फर्स्ट फेज तो हमने के सचिव साहब के लगे जाए पड़ी। सचिव साहब लगे सचिव साहब के लगे गेला के बाद में अब सचिव साहब असन ना समझा देन कि हिया दौड़ के आई हई कराई हेंग कराई होंग कराई तो वाडा दस लगे तो पहले पुगल मुश्किल बा। बैठे नहीं ना का वहाँ वहाँ तो बैठे नहीं मतलब कि पहले तो उहे से पहले वाडा दस के लगे अब जैसे कि सचिव साहब कह देने हई करा के ना अब जे जानकार बता जे करावे चल गेल जे जानकार नहीं के उ कथी कहाँ निवेदन लिखवाई कहाँ कथी करी तो पहले तो फिर उ आदमी जाई वाडा दस लगे कि सर देखी हे हे समस्या बा तो उ कथी कहे कि सचिव साहब जगह कहते नहीं जगह करके आई लग तो तो जवाब ना मिलल उस चीज के सचिव साहब के जानकारी अपने से उठ के जाए कर दी कि देखिए पड़ल बानी तनिका इंगरा का अपने लगन हेल्प कर देवे के पड़ल।
यानी कि ई एगो बड़का समस्या बाटे, कर्मचारी लोग काम ना करेला, लोग जे पढ़ल लिखल जेकरा था नहीं के ओकरा, हाँ जेकरा था नहीं के ओकरा के अहेलना। हमनी के वार्ड में हमार अभी तक के सर्वे में बहुत कमजोरी बा, बहुत बड़का कमजोरी बा हम अभी तक के। यानी कि ये सबसे बड़का कमजोरी अपने देखेंगे एगो महानगर के वार्ड कार्यालय में ऐसा कमजोरी होता, जहाँ तक ले जनप्रतिनिधि लोग सुनता, महानगर के मेयर साहब सुनता, नहीं तो इस समस्या के अपने के भी समाधान कैल उचित बा। बीरगंज महानगर पालिका 14 नंबर वार्ड के ये एगो समस्या बा, एगो अपने आम स्थानीय बानी, युवा नेता बानी, अपने सुनैनी बड़ा आदर जी सुनता नहीं, तो वहाँ से भी हम अनुरोध करम सन कि खास करके ये समस्या समाधान कर देवे के पड़ा। और अंत में क्या कहे के चाहे हम ही अंत अंत में बानी सन। और अंत में तो कहम कि अभी हमने के 5 साल के कार्यकाल अब वड़ा दल लोग समापन में जा रहा बानी लोग, और नया समापन कोईला मने समापन होते मात्र में नया युवा पीढ़ी में लिया ही लगन, और आज हमने के सही समय में सही डिसीजन नेकी से ले, तो फिर आवे वाला 5 साल में हमने के जौन बीतनी सन उहे चीज वा मत दोहराई लगन, वही से हमार सबसे बड़का हाथ जोड़ के अपील बा कि अभी के 15 दिन 1 महीना 2 महीना के सोच विचार में राइट डिसीजन करी लगन, राइट उम्मीदवार चुनी लगन, इतने हम कहते हमने के 14 नंबर वार्ड के पास लोग से अनुरोध बा। जी धन्यवाद बा मुकेश पटेल जी, अपने समय के बाद व्यस्त समय के बावजूद भी कार्यक्रम में नहीं अपन दू सब रखने के खातिर हमरा तरफ से कार्यक्रम के तरफ से वही तरह रेडियो सानवी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बा। अपने लगन के भी धन्यवाद बा कि हमने के भी एगो बोले के मौका देनी, और रेडियो सानवी के भी बहुत बहुत धन्यवाद रे। जी वहाँ रहने मुकेश पटेल जी, खास करके हमने वार्ड नंबर 14 के विकास के बारे में बातचीत करनी है सन। 5 वर्ष बीत चुकल बा, महानगर पालिका के वार्ड है और वहाँ विकास निर्माण के गतिविधि कैसन बा, का समस्या बा वहाँ के स्थानीय है मुकेश पटेल जी और नेकपा के समाजवादी से जुड़ल नेता भी, युवा नेता भी बानी, ओकरे विषय में बातचीत कैनी सन। आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा, बयान फिर से हमने आयम सन कार्यक्रम के साथ में, तब तक ला अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी, अपने के धन्यवाद, कार्यक्रम में टेक्निकली सपोर्ट करला अनजीत के धन्यवाद देत, राम मंडल के विदा दी, नमस्कार। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो रेडियो 96.4।